हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश कक्षा 9 का यूनिट नंबर 6, द नाइट ट्रेन एट दिल्लो। यहाँ पर क्या दे रखा बेटा, एक नाइट ट्रेन के बारे में हम देखेंगे कि कैसे। यहाँ पर हम देखेंगे एक ऑथर, ऑथर की यहाँ पर क्या दे रखी बेटा, स्टोरी दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज आई रेगुलरली स्पेंड माई समर वेकेशन इन देहरा एट माई ग्रैंड मदर प्लेस। आई वुड लीव द प्लांट्स अर्ली इन मे एंड रिटर्न लेट द इन जुलाई। क्या बोल रहे हैं ऑथर, ही बोल रहे हैं कि जब मैं कॉलेज में था, क्या था बेटा ऑथर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ऑथर मतलब होता है लेखक, लेखक ये बोल रहे हैं कि जब मैं क्या था, कॉलेज में था। आई रेगुलरली स्पेंट यानी कि मेरा जो समर वेकेशन होता था, यानी कि ग्रीष्मकालीन जब भी क्या पड़ती थी, छुट्टियाँ पड़ती थी, तो मैं कहाँ चला जाता था, देहरा चला जाता था। देहरा, देहरा क्या है, इनकी दादी जी का घर है। यस तो ये क्या कह रहे बेटा, लेखक क्या बोल रहे हैं कि जब भी समर वेकेशन पड़ता था, यानी कि ग्रीष्मकाली अवकाश पड़ता था, तो ये क्या करते थे, देहरा, देहरा यहाँ पर उनकी दादी जी के वहाँ चले जाते थे। ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो प्लान हुआ करता था, यानी कि योजना हुआ करती थी कि अर्ली मई एंड रिटर्न लेट इन जुलाई, मतलब मई में तो वो चले जाते थे और वापस कब लौटते थे, जुलाई के अंदर लौटते थे। दिल्लो वॉज अ स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा। इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ द हैवी जंगल ऑफ द इंडियन ट्रेल। क्या बोल रहे बेटा कि देलो, देलो जो जगह थी, वहाँ से एक स्मॉल स्टेशन यानी कि एक छोटा सा क्या था, स्टेशन था, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर्स दूर क्या था, देहरा था। और देहरा में कौन रहते थे, दादी जी रहते थे। बिल्कुल यहाँ जो आसपास का जो जगह थी वहां पर कैसा था, एकदम जंगल सा था, यानी कि हाँ बिल्कुल जंगल यहाँ देखने को मिलता था, हैवीली जंगल यानी कि घना जंगल देखने को मिलता था। और यहाँ पर इंडियन ट्रेल यहाँ पर था। आई डिसाइड दैट वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट द लो एंड स्पेंड द डे देयर। क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये निश्चय किया था कि एक दिन मतलब वन डे क्या करूँगा मैं, कि जो जब भी क्या करता दहलो आऊँगा तो यहाँ पूरा टाइम क्या करूँगा, यहाँ पर स्पेंड करूँगा यानी कि बिताऊँगा। ऐसा किसने डिसाइड किया था, ऑथर ने, लेखक ने। आई वॉज 18, मैं कितने साल का था उस टाइम, 18 वर्ष का था। ये कौन बता रहे हैं, लेखक। विजिटिंग माई ग्रैंड मदर एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट द लो आई गर्ल कम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट। क्या बोल रहे बेटा कि विजिटिंग, जब मैं कहाँ जा रहा था, मतलब अपनी दादी जी के वहाँ जा रहे थे, कौन, लेखक। माई ग्रैंड मदर एंड नाइट ट्रेन स्टॉप, जैसे ही क्या होती है नाइट ट्रेन, क्या होती है यानी कि रात्रि के समय जो ट्रेन थी वो क्या होती, स्टॉप होती कहाँ पर, दिल्लो के अंदर। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक गर्ल को देखा, एक लड़की को देखा, कम डाउन द प्लेटफॉर्म, वो कहाँ पर थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी और सेलिंग अ बास्केट यानी कि बास्केट को क्या कर रही थी, बास्केट यानी कि टोकरी को क्या कर रही थी, वो बेच रही थी। इट वॉज अ कॉल्ड मॉर्निंग एंड द गर्ल हैड अ सोल अक्रॉस योर शोल्डर। क्या बोल रही कि बेटा वो एक मॉर्निंग थी, कौन सी, एकदम ठंडी ठंडी वाली क्या थी, सुबह थी। उस गर्ल ने क्या कर रखा था, सोल ओढ़ रखी थी, उसके शोल्डर पर कुछ ऐसे सरकी हुई क्या दिखाई दे रही थी, सोल। हर फीट वेयर ब्रे एंड हर क्लोथ वेयर ओल्ड। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो काफी क्या थे, पुराने थे। किसके, बिल्कुल वो गर्ल के। शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली टूवर्ड्स मी। वो बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से क्या हो रही थी, मेरी तरफ क्या हो रही थी, आ रही थी। ऐसा कौन बता रहे हैं, लेखक। When she come to my window, जब वो मेरी खिड़की के पास आती है, she stop, वो खड़ी हो जाती है। She shocked that I was looking at her entirely, but at first she प्रिंटेड नॉट टू नॉइस। जब वो मेरे पास यानी कि मेरी खिड़की के पास आकर खड़ी रहती है तो बिल्कुल वो एक धार से, अपन किसी को एक तक देखते ना, बिल्कुल वैसे ही वो मुझे क्या कर रही थी, देख रही थी। और बिल्कुल किसी भी तरह का नो नॉइस, किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं, और शांत होकर बस क्या कर रही थी, एक ही तरफ मेरी तरफ क्या कर रही थी, देख रही थी और मुझे क्या कर रही थी, नोटिस कर रही थी। शी हैड अ प्ली स्किन
साइन ब्लैक हेयर एंड डार्क आईज, उसकी क्या थी बेटा, एकदम थोड़ी सी येलो येलो टाइप की क्या थी उसकी स्किन थी, ब्लैक कलर के शाइनिंग करते हुए चमकदार क्या थे उस लड़की के बाल थे, और उसकी आईज बिल्कुल कैसी थी, एकदम डार्क डार्क उसकी आईज थी। एंड दे दोज आईज इज सर्चिंग एंड द लिविंग मीट मीट माइंड, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें किसी को क्या कर रही हो, तराश रही हो, यानी किसी को देख रही हो, ऐसा लग रहा था। किसको लग रहा था? लेखक को। सी स्टोर बाय माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग, क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए स्टूड, स्टूड मतलब क्या होता है, खड़ी रहती, काफ़ी टाइम तक वो मेरी विंडो के पास में क्या होती, खड़ी रहती है, परंतु कुछ भी बोलती नहीं है। कौन? वो गर्ल। बट वैन शी मूव्ड ऑन, डोंट नाउ वाई, लेफ्ट माई सीट एंड रस्ड टू द कैरिंग डोर, सी नोटिस मी एट द डोर एंड स्टूड वेट वेटिंग ऑन द सॉरी एक मिनट हाँ वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आई वर्क अक्रॉस द टी स्टॉल, क्या बोल रहे बेटा कि बिल्कुल भी है ना, वो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो चुपचाप से क्या कर रही थी, मेरी विंडो के पास में खड़ी थी। और क्या था कि बहुत ज़्यादा क्या था, रस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। जब आपको बताया कि स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती है तो ज़्यादा क्या होता है, रस्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, भीड़ भाड़ होती। से नोटिस, वो मुझे ही क्या कर रही थी, देख रही थी, बिल्कुल मेरी तरफ ही क्या कर रही थी, देख रही थी, ऐसा कौन बता रहे हैं, लेखक। यस, फिर क्या होता है यहाँ पर, लेखक क्या करते हैं बेटा, उतरते हैं, यानी कि हाँ बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं। ऑन द प्लेटफॉर्म आई वॉक अक्रॉस द टी स्टॉल, मैं जब कहाँ जाता हूँ, चलता चलता टी स्टॉल के पास, यानी कि चाय की दुकान के पास जब मैं पहुँचता हूँ, आई केटल वॉज बॉइलिंग ऑन द स्मॉल फायर, द गर्ल फॉलो बिहाइंड द स्टॉल, क्या होता है कि वहाँ पर जो केटल, केटल मतलब आप देखते हो ना बेटा केतली, है ना, जैसे हम चाय की केतली देखते हैं वो कैसे, तो वहाँ पर टी स्टॉल वाला क्या कर रहा था, चाय की केतली को बॉइलिंग कर रहा था, यानी कि चाय को क्या कर रहा था, उबाल रहा था, स्मॉल फायर मतलब धीरे धीरे आज पर क्या हो रही थी, चाय गर्म हो रही थी। द गर्ल फॉलो, वो लड़की भी मुझे क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी, बिहाइंड द स्टॉल उस दुकान के पास आकर, मेरे पीछे आकर क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। ये सारी बातें कौन बता रहा है, लेखक। डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट, सी आस्क्ड, वो मुझसे पूछती है, डू यू वॉन्ट टू बाय अ बास्केट, क्या आप बास्केट खरीदना चाहते हो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैड ऑफ द फाइनेस्ट कैन, नो आई सेड आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, मैंने उसने ये भी बोला कि ये बहुत ही कैसी है, स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही अच्छी है, एंड क्या बोला कि इसकी जो फाइनेस्ट है, मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से क्या क्या किया गया है, बनाया गया है, बिल्कुल जो बांस से बनाया गया, बिल्कुल इसकी फाइनेंशियली मतलब बहुत अच्छे से इसको दे रखा है। नो मैंने क्या बोला, लेखक बोल रहे, मैंने क्या बोला, नो आई सेड, मैंने बोला, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, मैं बास्केट खरीदना नहीं चाहता हूँ। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन शी सेड, आर यू श्योर यू डू नॉट वॉन्ट बास्केट, काफ़ी समय तक तो वो मुझे क्या करती रही, देखती रही, और फिर जात की क्या बोल रही, काफ़ी समय के बाद वो मुझे बोलती, आर यू श्योर, क्या आपको पूरा मतलब है कि अब आपको बास्केट नहीं खरीदनी है, ऐसा कौन बोल रही है, वो गर्ल, मतलब आप बिल्कुल अब फिक्स है ना कि मतलब बास्केट खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। नेक्स्ट, गिव मी वन, आई सेड आई एंड आई टूक द वन ऑन टैप एंड गेव हर रुपीज, आई विश्ड टू टच हर फिंगर्स बट कुल्ड नॉट, क्या हुआ कि उन्होंने, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूँ कि एक ले लूँ और क्या करूँ, मतलब कुछ पैसे दूँ और उससे क्या करूँ, मैं उसके हाथ को क्या कर पाऊँ, टच कर पाऊँ, यानी कि वो जो गर्ल थी उसके हैंड को क्या कर पाऊँ, टच कर पाऊँ, क्योंकि जब वो बास्केट लेंगे तो बास्केट लेने के बदले उनको क्या रहना पड़ेगा बेटा, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मैंने रुपये देने पड़ेंगे, तो उस बहाने से ही मैं क्या कर पाऊँ, उसके हाथ को टच कर पाऊँ। बट कुड नॉट, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए, कौन, लेखक। द गार्ड बिलो हिज विशल, यहाँ पर गार्ड ने क्या कर दी, विशल बजा दी, विशल मतलब समझते हो बेटा, आप लोग देखते हो ना ट्रेन के अंदर क्या बजती है, सीटी बजती है, बिल्कुल। सी सेड समथिंग बट इट वॉज लॉस्ट इन द क्लीनिंग ऑफ द बेल एंड द हिजिंग
ऑफ द इंजन। और इसी के साथ साथ क्या हुआ बेटा कि विशल तो बजी, उसके बाद क्या होगा, इंजन भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यानी कि ट्रेन यहाँ पर क्या हो जाती है, शुरू हो जाती। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट में क्या हुआ, दौड़ा और दौड़ कर क्या हुआ, अपने जो कंपार्टमेंट, मतलब आप देखते हो बेटा अलग अलग डिब्बे जो होते हैं उस अपने कंपार्टमेंट में जाकर क्या होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कौन ऑथर क्या होते हैं अपने कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, दौड़ कर चढ़ जाते हैं। आई पोस्ट हर अस द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। क्या बोल रहे कि जब मैं चढ़ गया था कहाँ पर, अपने कंपार्टमेंट पर, तो मैंने देखा, मैंने क्या देखा कि अभी भी बिल्कुल अकेले अलोन कौन खड़ा हुआ है, वो लड़की अभी भी वहाँ पर खड़ी हुई है, ठीक है, और वो मेरी तरफ देख कर क्या कर रही है, स्माइली दे रही है, यानी कि थोड़ा धीमे धीमे क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिंगल बॉक्स कम इन द वे एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन। अब धीरे धीरे मैं देखता ही रहा, मतलब उसकी तरफ भी देख रहा था, वो गर्ल भी मेरी तरफ क्या कर रही थी, देख रही थी। और बाद में क्या होता है बेटा कि जंगल आने की वजह से वो पूरा स्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, छुप गया है। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, फिर भी मैंने देखा तो वो बिल्कुल वहाँ पर अभी भी क्या थी, अकेली खड़ी हुई थी। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, आई कुड नॉट फॉरगेट द गर्ल फेस हर डार्क ब्राइट आईज। क्या बोल रही है कि मैं कुछ समय क्या करने लग गया, मतलब इस यात्रा के दौरान मैं रेस्ट किया, लेकिन अभी भी मेरे को उसकी आँखें, उसका चेहरा अभी भी क्या हो रहा है, याद आ रहा, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं, लेखक। बट वेन आई रीच देहरा, जैसे ही मैं क्या हुआ, परंतु जब मैं कहां पहुंच गया बेटा, देहरा पहुंच गया, द इंसिडेंट गॉट ब्लर्ड एंड डिस्टेंट। अब क्या हुआ कि लेखक को वो धीरे धीरे जो इंसिडेंट था, मतलब जो घटना थी, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं बेटा तो कुछ टाइम तक तो वो चीजें हमको याद रहती है, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होती है, वो हमारे से ब्लर, मतलब धीरे धीरे वो अब क्या हो गई थी, हट गई थी, मतलब वो जो घटना थी वो धीरे धीरे वो भूलने लगे। फॉर देयर वेयर अनादर थिंग्स ऑन माई माइंड, और अब दूसरे दूसरी बातें क्या हुई, मेरे दिमाग में चलती गई। इट वॉज ओनली वैन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 months लेट। अब क्या बोल रहे कि मेरा फिर से अब क्या है बेटा, 2 महीने के बाद वापस क्या हो रहा, रिटर्न यानी कि वापस जाने का था, दैट आई रिमेंबर द गर्ल, फिर से वो मुझे क्या होगी, याद आएगी, मतलब उस टाइम शायद वो मुझे याद आएगी, अब मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, यहाँ पर भूल गया हूँ। यस तो अब बेटा अब ये तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अब क्या होता है, रिटर्न होते हैं क्या होता है, वो गर्ल उनसे मिलती है या नहीं मिलती, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो क्या होता है, ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।